हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको 9 से 10 साल तक की बेबी के लिए बहुत ही प्यारा सा प्लाजो बनाना सिखाते हैं, जिसके लिए हमने ये 1.25 मीटर कपड़ा हुआ रख लिया हुआ है। इसको हमने डबल करके रखा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, 35 इंच इसकी लेंथ है। यहाँ से इस तरीके से इसकी चौड़ाई 10 इंच पर निशान लगा लेते हैं और लंबाई में हमें 13 इंच पर लगाना है, 13 इंच पर। ये देखिए, ऐसे हमें इसका निशान लगा लेना है। ये ऐसे हमने इस पर निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हम 3 इंच पर इस पर और निशान लगा लेते हैं। ये हमने इसका 3 इंच का निशान लगा लिया है। ये हमारा आसन का निशान लग गया है। अब इसे मोहरी का निशान लगा लेते हैं। मोहरी हमें 12 इंच रखनी है। अब आसन के निशान को हमें मोहरी के निशान से मिला लेना है। बिल्कुल जहाँ पर हमारा मोहरी का निशान लगा हुआ है, वहीं तक हमें इस निशान को मिलाकर लगा लेना है। ये देखिए, ये हमारा निशान लग गया है। अब हमें यहाँ से ऊपर से इसमें गोलाई कर देनी है। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसमें गोलाई का निशान लगा दिया है। ये आसन का निशान हमारा लग गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा प्लाजो का निशान लगकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। जहाँ पर हमने निशान लगाया है, सेम वहीं पर हमें इस पर काट कर लेना है। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ये अब हम आसन काट रहे हैं इसका। ये देखिए, ये हमारा प्लाजो कटिंग हो चुका है। यहाँ से हमारा जुड़ा हुआ हिस्सा है, इसको भी हम काट कर अलग अलग कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा पूरा प्लाजो कटिंग हो चुका है। यहाँ से मोहरी पर से हमें 1 इंच नीचे की तरफ निशान लगा लेना है गोलाई का। ये देखिए, सिर्फ 1 इंच लगाना है हमें यहाँ से निशान। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं, जिससे इसके बाद हमारे ये कोने लटकेंगे नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने आसन मिलाकर रख लिया है। डबल है ये हमारा, दोनों पीस हैं। इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। दोनों आसन को हम मिला लेते हैं और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। हमें अंदर की तरफ इसमें एक ही सिलाई लगानी है। अब हम इसको पलट लेते हैं और अपना सब कपड़ा इस सिलाई के नीचे कर लेते हैं। ये ऊपर की तरफ हम एक सिलाई लगा रहे हैं। इसके बाद हमें एक सिलाई और लगानी है इसी के बराबर में, एक पैर की, जिससे हमारी ये सिलाई सेट हो जाती है और इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है। ये देखिए, एक पैर की इसके बराबर में, जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसके बराबर में एक पैर की सिलाई लगा लेते हैं हम। दूसरा आसन भी हमें सेम इसी तरीके से तैयार कर लेना है। ये देखिए, हमारे आसन पर इस तरीके से सिलाई लगकर ये तैयार हो चुका है। अब इस साइड का आसन भी हम ऐसे ही मिला लेते हैं और इस पर पहले अंदर की सिलाई हमें लगानी है और बाद में ऊपर की तरफ इस पर दो सिलाई लगानी है। सेम इसी तरीके से हमें ये भी तैयार कर लेना है आसन को अपने। ये देखिए, हमने दोनों तरफ से अपने आसन पर सिलाई लगा ली है, इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी। अब हम इसकी नीचे की, ये देखिए, ये हमने मिलाकर रख लिया है। अब हम इस पर साइड की सिलाई लगाते हैं। यहाँ पर साइड पर हमें दो सिलाई लगानी है इस तरीके से। देखिए, कपड़ा हमें खींचना नहीं है और सिलाई ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है। मीडियम सिलाई हमें इसके ऊपर लगानी है। दोनों पीस को मिलाते हुए हम ऐसे ही इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेते हैं। ये देखिए, हमने दोनों सिलाई अंदर की तरफ लगा ली है। अब हमें यहाँ से चारों तरफ से मोहरी मोड़नी है इसकी, प्लाजो की। इसको हम अंदर की तरफ को करते हैं और थोड़ा सा कपड़ा और अंदर की तरफ को इसका कर लेते हैं। 1/2 इंच के करीब हमें ये मोड़ना है, ज़्यादा नहीं मोड़ना है नीचे की साइड से। यहाँ पर ऐसे करते हुए हम सिलाई लगा लेते हैं। दोनों मोहरी पर फ्रेंड्स हमें
ऐसे ही सिलाई लगाकर तैयार कर लेनी है। अंदर की तरफ को हमें बराबर कपड़ा मोड़ना है। अगर आप नीचे की तरफ से मोड़ने में आपको परेशानी होती हो, कम या ज़्यादा मुड़ जाता हो, तो आप पहले निशान लगा सकती हैं बराबर सेम, फिर उस निशान पर से अंदर की साइड को मोड़ लेते हैं। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसके बराबर में ही एक पैर की मोहरी पर और सिलाई लगा लेते हैं, जिसकी इसकी खूबसूरत लगेगी मोहरी बहुत ही ज़्यादा, और ये रेडीमेड का लुक आ जाएगा इसमें। बहुत ही प्यारा सा हमारा ट्राउज़र प्लाज़ो बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है यहाँ तक, इसमें दोबारा से एक पैर की इसके बराबर में दूसरी मोहरी भी फ्रेंड्स हमें ऐसे ही तैयार कर लेनी है। ये देखिए ये वाली मोहरी भी हमें सेम अंदर की तरफ को मोड़ते हुए ऐसे ही तैयार कर लेनी है। अब ये हमारा ऊपर का नेफा है, इसको यहाँ से हम मोड़ते हैं। देखिए इतना अंदर की तरफ को हमें करना है। सबसे पहले हम इस पर इतना अंदर की तरफ को मोड़ते हुए एक सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए ये देखिए यहाँ पर हम एक पैर की सिलाई लगाते हुए इसको तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स इस तरीके से लास्टिक लगाने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है। हमें चारों तरफ इसी तरीके से मोड़ते हुए इसमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स हमने सिलाई लगा ली है चारों तरफ। अब हमें लास्टिक ली है, ये 22 इंच की लास्टिक है, इसको हम एक दूसरे के ऊपर रख लेते हैं और इस तरीके से इस पर डबल सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई को हमें 2-3 बार पक्का कर लेना है। ये देखिए जिससे हम ये लास्टिक जब अंदर की तरफ डालें तो ये जल्दी से खुले नहीं। अब हमें जो हमने मोड़ा हुआ है इसके चारों तरफ इस तरीके से लास्टिक को कर देते हैं। ये देखिए और इसमें यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स हमारी सिलाई लास्टिक पर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, इसके बराबर बराबर सिलाई आनी चाहिए। अगर हमारी लास्टिक पर सिलाई आएगी तो अंदर की तरफ से लास्टिक खींचकर सेट नहीं बैठेगी, जिससे हमारी प्लेट्स इसमें सही नहीं पड़ेंगी। इसी तरीके से हमें लास्टिक के बराबर में चारों तरफ सिलाई लगाकर प्लाज़ो को तैयार कर लेना है। ये देखिए अंदर की तरफ को हमने पहले ही मोड़ रखा है, तो हमें इसमें अंदर की तरफ मोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लास्टिक को पीछे की तरफ से खींचकर सेट कर लीजिए, ये आगे की तरफ आ जाएगी और फिर आपको सिलाई लगाने में परेशानी नहीं होगी। ये हमने लास्टिक लगा ली है, अब हम इसको खींच लेते हैं, इस तरीके से बराबर कर लेते हैं और इसके बीच में एक सिलाई लगा लेते हैं। हमें लास्टिक को खींचते हुए सिलाई इसके ऊपर लगानी है बीच में, जिससे हमारी ये लास्टिक की चुन्नटें बहुत अच्छी आ जाती हैं और इससे लास्टिक हमारी बीच में सिलाई लगाने से मुड़ती भी नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स ये कितना प्यारा सा हमारा प्लाज़ो बनकर तैयार हो गया है। ये देख सकते हैं ना इसके ज़्यादा घेर हैं और ना ही कम घेर हैं, कितनी प्यारी सी इसकी फिटिंग आ गई है। ये प्लाज़ो 9 से 10 साल तक की बेबी के लिए है, इसकी बहुत ही प्यारी सी फिटिंग आ गई है। आप छोटे से कपड़े में ही ये प्लाज़ो घर पर बना सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी इसकी फिटिंग बैठ गई है और बहुत छोटे से पीस में ये बनकर तैयार हो गया है। जो इसका साइड का कपड़ा निकला है उसमें से हमने इसका टॉप तैयार कर दिया है, जिसकी वीडियो टॉप की भी हमने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। ये देखिए ये इसका टॉप डिज़ाइन है, स्लीव्स में हमने इसके फ्रिल इस्तेमाल किया हुआ है। सिर्फ थोड़ा सा डिज़ाइनिंग के लिए हमने इसमें वाइट कपड़े का इस्तेमाल किया है, बाकी ये टॉप की प्लाज़ो की साइड में से बचा हुआ कपड़ा है जिसका टॉप बन गया है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है, टॉप का भी और प्लाज़ो का भी, दोनों डिज़ाइन छोटे से कपड़े में ही बनकर तैयार हो गए हैं। ये देख सकते हैं आप पूरी ड्रेस ये बन गई है, हमने इसकी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई है पूरी ड्रेस की। आप को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये ड्रेस पूरी पहनकर बेबी के कितनी प्यारी आ रही है।
इसी तरह की छोटे से कपड़े में, सिर्फ 2 मीटर कपड़े में आप ये ड्रेस बेबी के लिए घर पर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और प्यारे प्यारे से डिज़ाइन लेकर आएँ। तब तक के लिए बाय।